हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं न्यू रिक्वायरमेंट जो आईटीआई विद्यार्थियों के लिए निकाला गया है ये निकाला गया हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड एच ए एल में निकाला गया है जिसके बारे में संपूर्ण विस्तार से जानकारी देने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की सूचना आपको तुरंत प्राप्त आप हो सके अब जानकारी देते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में जो निकाला गया है एक छः दो हज़ार इक्कीस को जारी किया गया है एच ए एल के द्वारा जारी किया गया जिसमें आई टी आई विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसिप पोस्टों पर निकाली गई है अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्टों पर आई टी आई के लिए निकाला गया है ये अप्रेंटिसिप प्रशिक्षण आपका लखनऊ में रहने वाला है ये अधिनियम उन्नीस सौ इकसठ के तहत निकाला गया है अब बात करते हैं तकनीकी योग्यता तकनीकी योग्यता मतलब आपकी कौन सी ट्रेड होनी चाहिए इसके लिए आपकी फीटर टर्नर मशीनिस्ट मशीनिस्ट ग्राइंडर वेल्डर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रो प्ले प्लेटर आर ड्राफ्ट मैकेनिक सीट मेटल वर्कर कोपा पाँच साल में 2018 19 20 में होने चाहिए 2018-2019 और 2020 में पास आउट आईटीआई विद्यार्थी इसका अप्लाई कर सकते हैं इसमें एन एन या एस द्वारा जारी उत्तीर्ण आपका आप आई पास होने चाहिए अगर आपका पेपर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपका कोई पेपर बैक रह गया या सप्लीमेंट्री है तो आपका परीक्षा परिणाम लंबित है तो आप आवेदन करने के लिए योग्य नहीं हैं अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है टर्नर फिटर इलेक्ट टर्नर फिटर इलेक्ट्रीशियन मशीनिस्ट मशीनिस्ट ग्राइंडर ड्राफ्टमैन मैकेनिक हाई स्कूल टेंथ और गणित टेंथ प्लस टू के समक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आर एस मैकेनिक इलेक्ट्रोप्लेटर, हाई स्कूल टेंथ प्लस टू तथा समक्ष वेल्डर सीट मेटल वर्कर तथा आठवीं या टेंथ प्लस टू पत्ती होनी चाहिए कोपा और पासा में नेशनल सर्टिफिकेट कंप्यूटर ऑपरेटर प्रा, प्रा, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट नेशनल कैंसन के, फॉर एन तथा एस द्वारा जारी होना चाहिए अब बात करते हैं आई के कुछ नियम दिए गए हैं आई टी आई आई टी सब स्टाइपेंड अधिनियम अप्रेंटिसिप उन्नीस सौ इकसठ के तहत नियम अनुसार होगा आपका अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट उन्नीस सौ अकसठ के अधिनियम के तहत किया जाएगा सुशिक्षित अधिनियम जिन्होंने पहले अप्रेंटिसिप प्रशिक्षण प्रारंभ कर दी वो प्राप्त करें उनके लिए पात्र योग्य नहीं होंगे जिन्होंने प्रारंभ कर दी और बीच में छोड़ दी उनके लिए भी कोई मान्य नहीं होगे सी में आई पास अभ्यर्थी इस परीक्षा में पात्र नहीं होने चाहिए सी ओ सी ओ ट्रेड में जो विद्यार्थी है वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग विकलांग श्रेणी के प्रशिक्षण अधिनियम के अंतर्गत होगा विद्यार्थी के लिए आयु अठारह छः दो हज़ार इक्कीस को सत्ताईस वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पाँच वर्ष ओ के लिए तीन वर्ष विकलांग के लिए दस वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलने वाली है पर अब इसके बात करते हैं अप्रेंटिसिप की अवधि एक वर्ष रहने वाली है अब आवेदन करने का मेथड क्या रहने वाला है इच्छुक विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेंगे अन्य कोई आवेदन का माध्यम स्वीकार ऑफलाइन आपका माध्यम स्वीकार फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा वेबसाइट पर जाकर समय रजिस्टर करें और उपभोग लिंक पर तीन जून से अठारह जून तक खुलने वाला है इसका फॉर्म अप्लाई तीन जून तीन जून से अट्ठारह जून तक रहने वाला है आप तीन जून से अठारह जून तक अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन से पूर्व अप्रेंटिसिप का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लें और रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करके नोट कर लें अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट पर मूलभूत सूचना पढ़ने पढ़ने के उपरांत वेबसाइट पर पंजीकरण संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगी जो विद्यार्थी तुरंत ही भविष्य में उपयोग के लिए नोट कर ले सफलतापूर्वक जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने वाले जो आपके फ्यूचर में वो नंबर ही रहने वाले हैं सूचना पढ़ने के उपरांत ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में फोटोग्राफ हस्ताक्षर अपलोड कर सभी वेबसाइट पर सबमिट करें और अपना ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि अट्ठारह जून रहने वाली है यदि यदि आवेदक एच एल कर्मचारी कार्यरत सेवानिवृत्त विद्यंगत की संतान पत्नी संलग्न आश्रित घोषणा पत्र मानव संचार द्वारा पंजीकृत होना चाहिए करते अगर आप एच ए एल में आपकी पति पत्नी पिता या आश्रित घोषणा पत्र हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय उसको भी ऑनलाइन पंजीकृत रजिस्टर करने पर अपलोड करना होगा माता सप अप... एक चीज़ जो नोट करने वाली है मात्र सब आप आवेदन के लिए अप्लाई करने पर आप चयन पात्रता के लिए पात्र नहीं होंगे और जो भी अंतिम विद्यार्थी की पात्रता का अंतिम फैसला है एच एल लखनऊ द्वारा अंतिम फैसला लिया जाएगा अब बात करते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है आपका चयन मेट के आधार पर होगा हाई स्कूल में प्राप्त प्रतिशत सत्तर एवं सत्तर प्रतिशत हैं आई में प्राप्त प्रतिशत का तीस प्रतिशत के योग से मेट निर्धारित की जाएगी आपके स्कूल का सत्तर प्रतिशत तो लिया जाएगा और तीस प्रतिशत आपके आईटीआई ट्रेड में जो प्रतिशत है उनका लेकर आपकी मेट मेट का निर्धारित किया जाएगा अगर आप आपने कोई भी डिटेल गलत बढ़ दी है तो आपका ही फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा चयन का परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा अगर चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर का चयन होने के बाद भी अभ्यर्थी निर्धारित नियमानुसार अयोग्य पाया जाता है तो उसको भी तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा अधिक जानकारी के लिए जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं ऑफिशियल नंबर दे रखे हैं जिन पे आप जानकारी सुबह आठ से लेकर सुबह जानकारी ले सकते हैं ये नोटिफिकेशन मुख्य प्रबंधक प्रशिक्षण एच लखनऊ के द्वारा जारी किया गया चीफ मैनेजर के द्वारा एच के द्वारा जारी किया गया अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को आप तुरंत दे सकें और अब भविष्य में कोई किसी वैकेंसी से वंचित नहीं हो थैंक यू